हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों? तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास सेवेंथ लेसन का पार्ट पढ़ाऊंगी। बच्चों, ऑलरेडी हमने हाफ कर चुके हैं और हाफ बाकी है, तो निकालिए बच्चों अपने अपने स्टडी मटेरियल की बुक। देखिए, पेज नंबर 105 है। नीचे दिए शब्दों के उच्च स्थान को मारकर अनुच्छेद बनाइए। एक शहर क्या आबाद जो कहला है हैदराबाद, ये आपको पोयम में लिखना है बच्चों। नीचे, कौन सा शहर आबाद किया? हैदराबाद आबाद किया। आबाद करना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आबाद करना यानी के फूला फला करना। हैदराबाद को कूली के सपनों का नगर क्यों कहा गया है? हैदराबाद को कूली के सपनों का नगर कहा गया है क्योंकि कुली कुतुब शाह के इस नगर का निर्माता है, इसके लिए हैदराबाद को कूली के सपनों का नगर कहा गया है। हैदराबाद की हर नगर कैसी है? हैदराबाद की हर नगर सुंदर है। हैदराबाद के मीनारे और दीवारें कैसी है? हैदराबाद के मीनारे आसमान को छूती है और दीवारें मिट्टी की बनी है और बहुत मजबूत है। किसकी नक्शी बेमिसाल है? चारमीनार की नक्शी बेमिसाल है। चारमीनार कब बनाया गया है? चारमीनार 100 साल पहले बनाया गया है। ओके बच्चों, किसने मानवता का पाठ पढ़ाया है? चारमीनार के निर्माता कुली कुतुब बख्श ने मानवत्व का पाठ पढ़ाया है। हैदराबाद में कौन कौन बसते रहते हैं? हैदराबाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के लोग बसते हैं। चारमीनार के चार मीनार किनके प्रतीक है? चारमीनार के चार मीनार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और के धर्म प्रतीक है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर नीचे दिए गए अपाठित के उत्तर चुनकर कष्टों में लिखिए। भारत माँ की बेटी क्या है? हिंदी। भारत माँ की बिंदी क्या है? हिंदी। हिंदी का मन क्या है? भारत संस्कृति। देवनगरी क्या है? हिंदी का यह जो हिंदी का तन। हिंदी की जननी कौन है? कौन है बच्चों हिंदी की जननी? संस्कृत। अनुवेद के सरल रहीन कौन है? हिंदी। नेक्स्ट देखिए, शासक घर से क्या कहता है? मैं शासक हूं। पहले किसका शासक बना है? अपने मन का शासक बनना है। उसे असल में क्या कहना है? विंद्रम सेवक। मन कैसा कौन सा है? मंगल। इसका शीर्ष क्या होता है? शासक। ओके बच्चों, चारमीनार कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। हैदराबाद के कुछ प्रतीक स्थानों के नाम लिखिए। और बच्चों, यहाँ पर लेटर भी दिया गया है, देखिए 109 में। यस, किसी विशेष यात्रा के बारे में अपने अनुभव बताते हुए किसी दोस्त के नाम पत्र लिखना है आपको। किसी शहर के बारे में अपने दोस्त को लेटर लिखना है बच्चों। और पार्ट बी में देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में बच्चों, शिक्षक दिवस यानी के शिक्षक दिवस यानी के क्या बच्चों? टीचर्स डे के बारे में भी आपको लिखना है। और पार्ट बी में यहाँ पर आपको चूज द करेक्ट आंसर दिया है। और एक्सरसाइज में देखिए, पर्यायवाची शब्द। यहाँ एक शहर है, नगर, सपने, स्वप्ना, सुंदर, खूबसूरत, आसमान, आकाश, उम्र, वायु। और पेज नंबर 112 में देखिए, वचन बदल कर लिखिए। एक शहर, अनेक शहर, सपना, सपने, डगर, डगरे, मीनार, मीनारे, दीवार, दीवारे। और थर्ड बिट में विलोम शब्द, शहर, गांव, सुंदर, असुंदर, दीवारे, कमजोर, बेमिसाल, मिसाल, बनवाया, गिरवाया, मानवता, दानवता। अक्षरों में लिखिए बच्चों, देखिए
फोर्थ वीक में क्या है? अक्षरों में लिखिए, यानी कि हमें यहां पर लिखना है। फर्स्ट वन 73, यानी क्या बच्चों? 73। 73 यानी 73। 22 यानी 22। 22 थर्ड वन 17½, यानी के 17.5। ये आपको क्लास ऑफ बुक में लिखना है बच्चों। फोर्थ वन 88 यानी 88। फिफ्थ वन 55 यानी के 55। नेक्स्ट सिक्स्थ वन 66 यानी के 66। तो लिख लीजिए बच्चों, नीट से आपको आपकी क्लास बुक में लिखना है। अक्षरों में लिखिए 73 73, 22 22, 17½, 17.5, 88 88, 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 88
ये अक्षरों में लिखिए बच्चों, और इसके बाद क्या है देखिए, नेक्स्ट स्टडी मटेरियल में चेक कीजिए बच्चों। ये फिफ्थ बीच में क्या है, अंकों में लिखिए, ये आपको आपकी क्लास और बुक कंप्लीट करना है बच्चों। अंकों में लिखिए, कितना बच्चों 11 यानी कि लेवल सेकेंड वन 53, 53 यानी के 53, थर्ड वन 33 यानी के कितना बच्चों 33, फोर्थ वन 93 यानी कि कितना बच्चों 93, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ वन 77 यानी कितना बच्चों 77, सिक्स्थ वन 48 48 यानी कितना बच्चों 48। तो देखिए बच्चों लिख लीजिए, आपको आपके क्लास और बुक में लिखना है, नीट से लिखना शुरू कीजिए। 11 53 33 93 और 73 48, 11 यानी के 11, 53 यानी के 53, 33 यानी के 33, 93 यानी के 93, 77 यानी के 77, 48 यानी के 48। ये आपको आपकी क्लास और बुक में लिखना है बच्चों, तो नीट से लिखना शुरू कीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों सिक्स्थ बीट,
वाचस्पति शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखे। मोर खुशी से नाचता है। मोर का लिंग क्या है बच्चों? मोरनी। लड़का, लड़का का लिंग क्या है? लड़का का लिंग क्या है बच्चों? लड़की। महिला का लिंग पुरुष, लड़की का लिंग लड़का। युवक का लिंग युवत। सेवेंथ बिट, नीचे दिए गए शब्दों के वाक्यांश शुद्ध कीजिए। आबाद का आबाद, सपनों का सपने, और डगर मिट्टी उम्र रॉन्ग है, हमें यहाँ पर करेक्ट लिखना है। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए बच्चों, एट बिट, सुंदर, मोर सुंदर पक्षी है। नक्शी, नक्शी सुंदर है। मजबूत, दीवार, दीवारें मजबूत है। मानवता, हर एक में मानवता होनी चाहिए। सपना, कुली के सपनों को नगर हैदराबाद है। देखिए बच्चों, नाइन्थ बीट, नीचे दिए गए शब्दों में बेमन शब्द लिखिए, यानी के चार मीनार, गोलकोंडा, कुतुब मीनार, सालारजंग म्यूजियम। तो यहाँ पर बेमन शब्द क्या है बच्चों? कुतुब मीनार। मोर करम शेर बाग, यानी के कमल, टमाटर, बैगन, अंगूर, आलू। तो यहाँ से अलग क्या है बच्चों? अंगूर। आम, चंपा, गुलाब, चमेली, यानी के आम, सेब, चंपा, संतरा, बनाना। तो क्या है बच्चों यहाँ पर? चंपा। नीचे दिए गए वाक्यों में सही क्रिया शब्द से खाली जगह भरिए। एक शहर क्रिया की है, एक शहर की आबा, यानी के यहाँ पर क्रिया क्या है बच्चों? की, जो कहा गया हैदराबाद। लाया, लाया यानी के क्रिया। आसमान को छूती मीनारे, छूती क्रिया, जिसने चार मीनार बनवाया, बनवाया। यस बच्चों, बनवाया। मानव का पार पढ़ाया यहाँ पर क्रिया। नाइन्थ भी, इलेवेंथ भी देखिए बच्चे सही करके चिन्ह में खाली जगह भरिए। यहाँ कुली के सपनों का नगर, यहाँ की डगर सुंदर है, इसके मीनारे आसमान को छूते हैं, मिट्टी की मजबूत दीवारें हैं, जिसे चार मीनार बनवाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। नीचे दिए गए वाक्यों के और प्रयोग करके जोड़े। ट्वेल्थ बिट, कुली के सपनों का नगर, यहाँ की हर डगर सुंदर। कुली के सपनों का नगर, यहाँ हर डगर सुंदर। इसी प्रकार से देखिए बच्चे, त्री दिया गया है। और लास्ट वर्ड भी देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को विशेष शब्द पहचान कर लिखिए। विशेषण शब्द क्या है बच्चों? यहाँ पर देखिए, तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 114 में छोटी है। नेक्स्ट, यहाँ के डगर सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर विशेषण। नेक्स्ट, यहाँ मिट्टी का दीवार मजबूत है, यानी के मजबूत यहाँ पर विशेषण। फोर्थ वन, इसकी नक्शी बेमिसाल है, यानी के बेमिसाल। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, यहाँ बड़ी दीवार है, यानी के बड़ी
यहाँ पर विशेषण, तो लिख लीजिए बच्चों नीचे विशेषण शब्द करके हेडिंग डालिए और लिखना शुरू कीजिए। विशेषण आसमान को छूती है, सुंदर, मजबूत, बेमिसाल और बड़ी, ये विशेषण शब्द है बच्चों। नीचे टेक्स्ट आपको आपकी क्लास और बुक में लिखना है, जो जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाया है वो सभी आपको आपकी क्लास और बुक में लिखना है। तो बच्चों लास्ट में देखिए प्रश्न और जवाब, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स बच्चों लिख लीजिए बच्चों ये क्लास बुक में। प्रश्न पेज नंबर 100 में देखिए बच्चों, यहां किसका चित्र है? देखिए बच्चों टेक्स्ट बुक में यहां किसका चित्र है? यहां ताजमहल और चार मीनार का चित्र है। सेकेंड वन क्या है देखिए यहां पर, यहां सफेद रंग में क्यों दिखाई देता है? दिखाई देता है सफेद रंग में क्यों दिखाई देता है बच्चों? क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन आंसर क्या है? यहां सफेद रंग का ताजमहल दिखाई देता है। रंग में ताजमहल दिखाई देता है। लिख लीजिए बच्चों टू क्वेश्चन आंसर्स, यह किसका चित्र है? और यहां पर पिक्चर्स दिया गया है बच्चों, यहां ताजमहल और चार मीनार का के चित्र है। ये सफेद रंग में क्यों दिखाई देते हैं? ये सफेद रंग में ताजमहल दिखाई देते हैं। नीट से लिख लीजिए बच्चों, बोलते बोलते लिखिए। यह किसका चित्र है? यह ताजमहल और चार मीनार के चित्र है। ये सफेद रंग में क्या क्यों दिखाई देते हैं? ये सफेद रंग में ताजमहल दिखाई देते हैं। फिनिश बच्चों हो गया लिखना? यस बच्चों, तो इसके बाद यहां से आपका सेवेंथ लेसन चार मीनार का लेसन कंप्लीट हो गया है बच्चों। सेवेंथ लेसन इज कंप्लीटेड। तो अभी लिख लीजिए साक्षी बच्चों, होमवर्क देखिए बच्चों, इसकी सुंदरता के बारे में दो वाक्य लिखिए, ताजमहल और चार मीनार। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क लेसन नंबर 11 क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क। राइट
वन टाइम इन योर क्लास वर्क बुक। यस बच्चों, इसकी सुंदरता के बारे में दो वाक्य लिखिए, हैदराबाद के बारे में बताइए, चार मीनार के बारे में आप क्या जानते हो, ये दो पढ़ना है। और एक वाला, थर्ड वाला आपको होमवर्क करना है। थर्ड वाला कौन सा है बच्चों? इसकी सुंदरता के बारे में दो वाक्य लिखिए, ताजमहल के बारे में, चार मीनार के बारे में आपको होमवर्क करना है बच्चों। वन टाइम आपके क्लास वर्क बुक में जब आपका होमवर्क हो जाएगा, उसकी फोटो खींचकर मुझे स्कूल ईमेल मेनी में आपका होमवर्क सेंड करना बच्चों। हमारा अपना स्कूल आईडी है क्या बच्चों? स्कूल आईडी myschoolmyhomework@gmail.com में आपका होमवर्क सेंड करिए, मैं आपका होमवर्क चेक करूंगी बच्चों। ओके बच्चों, तो बाय, अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों। टेक केयर।